हे गाइस कैसे हो, मेरा नाम है जाबिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 3 गन है और ये तीनों गन लाइटर गन है। तो इस वीडियो में मैं तीनों गन को कंपेयर करके बताने वाला हूँ। अगर आप गन खरीदना चाहते हैं, लाइटर गन खरीदना चाहते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा गन आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूँ और डिज़ाइन वाइज भी बताने वाला हूँ कौन सा गन आपके लिए सही रहेगा। आप अगर रील्स वगैरह या थोड़े बहुत आप वीडियो वगैरह कुछ भी बनाते हैं उसमें आप कौन सा गन यूज कर सकते हैं प्रॉपर, तो वही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में तीनों गन को कंपेयर करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 गन है, तो यहाँ तीनों गन काफ़ी यहाँ पे अच्छे हमें लुक्स के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों गन के साथ हमें यहाँ पे कवर मिल जाता है जो इस गन के साथ काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा गन है जो काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ हमें देखने को मिल जाता है, इसमें एक स्टैंड हमें मिलता है इस बॉक्स के साथ। तो यहाँ हमें स्टैंड मिल जाता है इस गन के साथ और इन गन के साथ हमें कवर मिल जाता है। तो फर्स्ट बात करें इसी गन के साथ, तो यहाँ पे हमें ये गन काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ देखने को मिल जाता है और ये एक रियल गन जैसा दिख रहा है और रियल लुक जैसा, और इसका साइज़ भी रियल गन के जैसा ही है और ये पीछे की तरफ यहाँ पे स्लाइड होता है जो रियल जैसा ही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसको आप ऐसे यहाँ ट्रिगर दबाओगे तो ये फायर हो जाएगा। और ये लाइटर गन है, यहाँ पे कोई रियल गन नहीं, ये लाइटर गन है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से आप लाइटर को रिफिल कर सकते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये गन हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इस गन का बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि गन प्लास्टिक है या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा गन हमें प्लास्टिक के साथ मिल जाता है। और इसका मेटल की बात करें तो ये मेटल का मिल जाता है जो स्लाइडर में दिया हुआ है, तो खाली हमें यहीं पे मेटल मिल जाता है। ओवरऑल इसका वजन की बात करें तो ये 400 से 450 ग्राम तक इसका वजन है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये गन का लुक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको ये गन अच्छा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये गन का लुक्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी बात पूरा यहाँ पे बॉडी हमें प्लास्टिक का मिल जाता है। उसके बाद बात करें ये स्मॉल गन का, तो इसको यहाँ से कवर से निकाल लेते हैं उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है कवर, तो इसको रखते हैं साइड में। और मेन बात करते हैं गन की, तो ये गन हमें काफ़ी स्मॉल साइज़ का मिल जाता है जो आप देख सकते हैं। बाकी बात इसका यहाँ पे लुक्स की बात करें तो लुक्स भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और रियल गन के जैसा ही हमें मिल जाता है। और यहाँ पर आप ट्रिगर दबाओगे तो ऐसे यहाँ पर फायर कर सकते हैं और यहाँ पर लाइटर निकलेगा, यहाँ पर आग निकलेगा जिससे आप इसको लाइटर गन में यूज कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्मॉल साइज़ का है। इसका और एक वर्जन आता है जो बड़े साइज़ में आता है जो रियल जैसा ही दिखता है, उसका भी मैंने इस चैनल में अनबॉक्सिंग किया हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाय द वे वो मेरे पास अभी नहीं है, वो शूटिंग में गया है तो उसको मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता हूँ। एक यहाँ पे आपको वीडियो में साइड में दिख रहा होगा उसका शॉट, वो आप देख सकते हैं। वो गन इसी गन जैसा है लेकिन वो गन रियल जैसा दिखता है और इस बड़े साइज में है। बाकी बात ये गन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी स्मॉल साइज़ का, आप कहीं भी इसका कैरी करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं तो वो आप ले जा सकते हैं। और नीचे में मिल जाता है गैस रिफिल करने का, तो ओवरऑल ये गन भी काफ़ी अच्छा। और इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है मेटल बॉडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा मेटल बॉडी है। और इसका प्लास्टिक की बात करें तो ये हमें खाली ओनली प्लास्टिक मिल जाता है और ये भी हमें मेटल मिल जाता है, तो ये गन भी हमें प्लास्टिक एंड मेटल में मिल जाता है, तो इसको भी रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे लास्ट गन की, जो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काफ़ी बड़े साइज का ओरिजिनल साइज का हमें मिल जाता है, इसमें भी कवर मिल जाता है, तो कवर से इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं ये गन भी हमें काफ़ी बड़े साइज का मिल जाता है और शूटिंग वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो ये गन को आप यूज कर सकते हैं और ये गन को। तो ये गन का भी अब बता देते हैं इसका बॉडी कैसा मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी। तो इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे पूरा बॉडी हमें मिल जाता है, पूरा यहाँ पे मेटल का मिल जाता है और काफ़ी हैवी सा इसमें हमें मिल जाता है वेट, तो ये पूरा मेटल के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे इसका फीचर की बात करें तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ स्लाइड होता है और ये लॉक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप फायर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे फायर कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमें गैस रिफिल करने का मिल जाता है। तो ये गन हमें काफ़ी हैवी मिल जाता है, इन तीनों गन में से सबसे ज़्यादा वजन इसी गन का है क्योंकि यहाँ पे पूरा मेटल बॉडी इस गन के साथ हमें मिल जाता है। अगर आप हैवी गन चाहते हैं लाइटर गन में से तो आप इस गन को ले सकते हैं, ये गन काफ़ी हैवी है और इसका यहाँ पे स्लाइड करने का भी काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है, यहाँ पे आप वैसे करके फायर कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे तीनों गन हमें काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ मिल जाता है और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे अच्छा बिल्ड क्वालिटी इस गन के साथ देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है तो ये गन लग रहा है, आप देख सकते हैं ये गन ज़्यादा रियल जैसा लग रहा है। और ये पीछे की तरफ स्लाइड होता है वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा मिल जाता है इस गन के साथ, तो ये गन काफ़ी रियल लगा। तो यहाँ पे तीनों गन हमें काफ़ी अच्छे मिल जाता है। अगर आपको तीनों में से कोई भी गन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे मैंने सारा कुछ कंक्लूजन आपका दूर कर दिया हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।